वी हैव टू आस्क यू एक्चुअली, आजकल जो इतना सेंसरशिप पे होता है आपकी, अब ये जो हराम खोर जो आपकी पिक्चर है उसमें आई नो एवरी वन इज लाइक यू नो टॉक अबाउट इट सेंसर, आप हर आजकल हर दूसरी फिल्म जो है वो सेंसर प्रॉब्लम्स में यू नो रन्स इनटू सेंसर प्रॉब्लम्स, क्या कहना है उस बारे में आपका? डू थिंक दैट इट्स कर्बिंग एक एक्टर का बहुत क्रिएटिव फ्रीडम, और ऐसा आपने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, इस तरह तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. मेरा सबसे तो बड़ा दुख इस बात का होता है कि अगर इस तरह की चीज़ें होने लगी तो फिर कंप्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाएंगे हम लोग, कंप्रोमाइज़ करने लगे फिल्मों को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, राइटिंग को लेके, स्क्रिप्ट को लेके, कि नहीं ये चीज़ें मत करो सेंसर हो जाएंगे, वो डर बैठ जाएगा. और लाइक जैसे परफॉर्मेंस करते वक्त जब मैंने अपने साथ भी खुद फील किया है, जब इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो अगर मैं सोच के करने लगूँ कि नहीं ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना है, वहाँ पे मुझे रोक के रखना है, तो फिर वो जो स्पॉन्टेनिटी है वो ख़त्म हो गई. फिर तो फिर वो मैं भी अपनी परफॉर्मेंस के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, है ना. फिर वो परफॉर्मेंस पूरी मैकेनिकल वो कि नहीं मुझे सिर्फ यही बोलना है कि इससे ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि फिर नहीं तो सेंसर हो जाएंगी चीज़ें. और जो अंदर से निकलता है परफॉर्मेंस, एक्चुअली वही तो होती है एक अच्छी परफॉर्मेंस, जब अच्छे नुआंसेस निकलते हैं वही परफॉर्मेंस होती है. तो इससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी पे वो बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट होगा. कैन में आप फार्मर्स से जो मिले थे और आपने अपने विलेज में एक इरिगेशन सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया था, कुछ उसके बारे में बताएं. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. जी, मैंने वहाँ पे प्राइवेट इरिगेशन सिस्टम होता है, तो उसका टेक्निक वहाँ वो काफ़ी वहाँ पे रेगुलर है, हर जो फार्मर है उसी टेक्निक को यूज़ करता है. मेरे सामने फर्स्ट टाइम था वो, और मैंने आके वहाँ पे अपने गांव में आके उसको बाकायदा बनवाया एक सैंपल के तौर पे. पहले जितने भी फार्मर थे उनके साथ बैठा मैं, और बैठ के उन्होंने बताया कि 95% फार्मर्स ने बताया ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. अच्छा, देन तो अब मैं उसको बनवा रहा हूँ, प्रॉपर बनवा रहा हूँ. और सबसे पहले मैं अपनी लैंड पे ही उसको यूज़ करूँगा, जो सॉफ्ट क्रॉप होती हैं उस पे यूज़ करेंगे, ताकि वो फिर उसके बाद जो है हार्ड, जो जैसे शुगर कैन होता है, ये जवार होता है जो हार्ड क्रॉप होती है, उसके ऊपर जाएंगे. और रिस्पॉन्स कैसा रहा, मतलब लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया? लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो डार्क जोन में है, जो पानी, जब मैं पहले खेती करता था तब 80 फीट की दूरी पर पानी निकल जाता था, अभी 210 फीट पर पानी निकलता है. अच्छा. तो विद इन 5 ईयर्स आई थिंक वो 400, 500, 600 फीट पर पानी निकलेगा, जो इम्पॉसिबल है. फिर तो बेटर है कि हम पानी बचाने के लिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को पानी मिल सके और वो खेती इस तरीके से कर सके, पानी को बचा के, बिजली को बचा के, इस तरह.